कॉनिचिवा दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब लोग। मुझे पता है भाई, कल दीपावली के टाइम आप लोग सोनी ये के ऊपर वेट कर रहे होगे कि वन पीस का प्रोमो क्यों नहीं आया। भाई नहीं आया, मैं खुद बहुत ज्यादा दुखी हूँ भाई। मेरी अपडेट गलत निकल गई, जो लीक्स आए थे वो गलत निकल गए। बट अभी एक नई लीक्स आई है जिससे पता चल रहा है कि वन पीस का प्रोमो हमें 2 हफ्तों के बाद देखने को मिलेगा। मतलब नवम्बर की एंडिंग तक आपको प्रोमो देखने को मिलेगा। और वन पीस के कितने एपिसोड्स डब हो चुके हैं अब तक, उसकी अपडेट्स भी हमें आ चुकी है। तो अब तक वन पीस के टोटल 70+ एपिसोड्स डब हो चुके हैं। मतलब सीजन 1 ऑलमोस्ट डब हो चुका है। सोनी ये सीजन 2 और 3 को भी डब कर रहा है। मतलब सोनी ये का प्लान ये है कि वो एक साथ 2 या 3 सीजन्स लाने वाले हैं वन पीस के, और प्रोमो 2 हफ्ते बाद देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप लोग समझिए कि आपको 2 सीजन्स देखने को मिलेंगे। और इस अपडेट के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा हिडन एक्सप्लोरर को। तो थैंक्स के बदले में आप लोग इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना भाई। इनकी अपडेट कभी ज्यादातर गलत नहीं होती है, जो लीक्स आते हैं वो सारे इनके सच होते हैं। और दोस्तों, काफी सारे लोगों को आज भी मजाक लग रहा है कि वन पीस सोनी ये ऊपर आएगा। तो दोस्तों, मैं तुम्हें बता दूं, ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है भाई। वन पीस आ रहा है सोनी ये के ऊपर, बस थोड़ा सा वेट और करो। 2 हफ्तों में तुम्हें प्रोमो देखने को मिलेगा और दिसंबर से शायद तुम्हें वन पीस स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है सोनी ये के ऊपर। भाई सोनी ये जो प्लेटफॉर्म बना रही है भाई, कमाल की है। मतलब बिग 3 एनिमेस को लगता है अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की सोच रही है भाई। पहले नारुतो, उसके बाद वन पीस, आगे जाकर नारुतो शिप्यूडिन और ब्लीच भी कल आ जाएगी, तो भाई मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये सारी चीजें हमें टेलीविजन पर देखने को मिल रही है। OTT प्लेटफॉर्म पर कम रिस्पांस होता है, बट टेलीविजन पर आ रही है, तो आप समझ जाइए कितनी हाई TRP मिलेगी। सोनी ये का नाम आगे जाकर चेंज होने वाला है, सोनी एनिमे पिक्चर्स हो सकता है भाई, ऐसा मुझे लग रहा है। सोनी ये एडल्ट चैनल बन रही है। हम सारे एनिमे फैंस ओटाकूस के लिए ये एक हेवन से कम नहीं है भाई। मैं अपना गोल आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा एनिमे की कम्युनिटी को इंडिया में ग्रो करना चाहता हूँ भाई। ज्यादा से ज्यादा मैं ये सारी चीजें टीनएजर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ भाई। एनिमे बच्चों के लिए नहीं बने हैं, वो काफी सारी चीजें हमें सिखा कर जाते हैं। एनिमे कोई टाइम पास नहीं होता भाई, जो इन्हें देखता है उन्हें पता है। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप सब भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन्हें इंटरेस्ट हो एनिमेस के बारे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छी एनिमेस के बारे में आप लोग शेयर कीजिए। काफी सारी एनिमे क्रंची रोल हिंदी डब कर रही है, नेटफ्लिक्स डब कर रही है, म्यूज एशिया भी डब करने स्टार्ट कर दिया है, सोनी ये नई एनिमेस ला रही है, कार्टून नेटवर्क भी नई एनिमेस ला रही है। तो भाई, ये जो एनिमे की कम्युनिटी ग्रो हो रही है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा ग्रो करिए दोस्तों। और आज के वीडियो में मेरे पास वन पीस से रिलेटेड ये अपडेट थी। तो वन पीस फैंस, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और टेंशन मत लो भाई, जब भी प्रोमो आएगा मैं अपने चैनल के ऊपर आपको प्रोमो जरूर दिखाऊंगा अपलोड करके। तो चैनल के ऊपर एक्टिव रहना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि इस साल के अंत तक मेरा भी एक टारगेट, एक गोल है कि मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहता हूं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए, एंड मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी एनिमे अपडेट के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सायोनारा।